दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक्ट्रेस और एक्टर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, यानी कि कोई हिट रहता है और कोई फ्लॉप, कोई अपना शो से नाम बना लेता है, कोई जजेस करके अपना नाम बना लेता है, तो कोई फिल्मों में काम करके अपने एक अलग पहचान बना लेता है। तो ऐसे ही इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा के बारे में। मलाइका अरोड़ा को तो आप सब जानते होंगे, ये एक एक्ट्रेस के साथ ही साथ मॉडल, वीजे टीवी पर्सनैलिटी और प्रोड्यूसर भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इनकी बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को थाने महाराष्ट्र इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 47 साल की हैं। मलाइका ने अपने स्कूल की पढ़ाई स्वामी विवेक आनंद स्कूल चैम्बूर मुंबई से की और इसके बाद ये अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने चली गई होली क्रॉस हाई स्कूल थाने, जिसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की जय हिंद कॉलेज चर्च गेट मुंबई से, जहाँ से इन्होंने डिग्री ली है इकोनॉमिक्स एंड माइनर इन कम्युनिकेशन में। अब बात करते हैं मलाइका अरोड़ा के करियर के बारे में। दोस्तों वैसे तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडल के तौर पर की थी, जिसके बाद ये सिलेक्ट हुई वीजे के लिए एमटीवी इंडिया में और इसी दौरान इन्होंने क्लब एमटीवी शो को होस्ट किया और लव लाइन एंड स्टाइल चेक शो की को होस्ट रही और मॉडलिंग के दौरान इन्होंने कई एडवर्टाइजमेंट किए और फिर ये गुड़ नाल इश्क मीठा सॉन्ग में दिखी और साथ ही साथ मलाइका को 1998 में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले में आइटम नंबर करने को मिल गया और उस सॉन्ग का नाम था छैया छैया, आपने सुना जरूर होगा। और 2000 में मलाइका कई फिल्मों में आइटम नंबर करते हुए नजर आई हैं और बॉलीवुड के कुछ फिल्मों में कैमियो भी कर चुकी हैं। और मलाइका ने एज अ एक्ट्रेस 2008 में डेब्यू किया फिल्म EMI से, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही फ्लॉप हो गई। लेकिन मलाइका चर्चे में जब आई जब सलमान खान की फिल्म दबंग का गाना मुन्नी बदनाम हुई रिलीज हुआ, क्योंकि इस गाने में इन्होंने आइटम नंबर किया और लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वहीं बात करें इनके टेलीविजन करियर की तो इन्होंने 2005 में नच बलियों को जज किया और इसके अगले साल ही नच बलिये 2 को जज करते हुए नजर आई। और मलाइका ने ऐसे कई शो को जज किया है जैसे कि जरा नच के दिखा, झलक दिखला जा, इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज बेस्ट डांसर को। दोस्तों मलाइका ने वैसे तो कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल के तौर पर काम किया है, लेकिन इन्हें इतनी पहचान नहीं मिली। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि मलाइका अरोड़ा आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको मलाइका अरोड़ा की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है अनिल अरोड़ा और इनके मदर का नाम है जॉयस पॉली कैप और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है अमृता अरोड़ा और ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। बात करें मलाइका के हस्बैंड के बारे में तो दोस्तों इन्होंने 1998 में सलमान खान के भाई अरबाज खान से शादी की थी, लेकिन 2017 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था और अब मलाइका बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का एक बेटा भी है जिनका नाम अरहान खान है और ये बिल्कुल सेम टू सेम अपने फादर अरबाज खान की तरह दिखते हैं। अब बात करते हैं मलाइका अरोड़ा के हाउस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मलाइका जो है मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहती है, जैसे कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में कि आखिर इनके पास कौन कौन सी कार है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं इनके पास कार है BMW 730 LD और इस कार की प्राइस है दोस्तों 1.35 करोड़ रुपीज। और इसके अलावा इनके पास रेंज रोवर की रेंज रोवर वॉक भी है और इस कार की कीमत है 1.95 करोड़ रुपीज। और दोस्तों इनके पास टोयोटो इनोवा क्रिस्टा भी है और इस कार की कीमत है सिर्फ 20 लाख रुपए। और इसके अलावा इनके पास BMW X7 है और इस कार की कीमत है 96 लाख रुपीज। बात करें इनके इनकम के बारे में तो दोस्तों ये एक फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए लेती हैं 1.75 करोड़ रुपीज। और इसके अलावा मलाइका शो को जज करने के लिए यानी पर एपिसोड लेती है 5 लाख रुपए और इनकी ज्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। बात करें मलाइका अरोड़ा के नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ है 75 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी मलाइका अरोड़ा की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मैं फ्यूचर में कोई सी भी वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।